नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय ठीक विधानसभा उत्तराखंड के सामने खड़ा हूं और पिछले कुछ घटना चक्र पर अगर नज़र डाली जाए तो वाकई में बड़े चौंकाने वाले घटना चक्र हैं। अगर हम BDO BPDO की बात करें तो सीधा मामला जुड़ता है हाकम सिंह से और हाकम सिंह का रिश्ता निकलता है भारतीय जनता पार्टी से। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। दूसरा मामला, विधानसभा के सामने हम खड़े हैं, विधानसभा बैकडोर की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा बैकडोर का मामला भी जुड़ता है भाजपा के ही नेता प्रेमचंद अग्रवाल जी से। और तीसरे बड़े मामले की अगर हम बात करें, अंकिता भंडारी के मामले की बात करें तो वो मामला भी जुड़ता है भाजपा से। इसको हम संयोग माने या क्या माने? आखिर ये सारे मामले भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही क्यों जुड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीडिया की सजगता के कारण ये मामले निकल के आए हैं? हो सकता है वर्षों से या सदियों से ये जो नेता हैं ये इस तरीके के कृत्य करते रहते होंगे। लेकिन धन्यवाद है उत्तराखंड की डिजिटल मीडिया को जिसने इन तीनों ही मामलों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। विधानसभा वो मंदिर है जिस मंदिर में आपके द्वारा और हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं और विधायक यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठ के ये हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं। अब वो नीतियाँ कितनी आपके लिए हैं और कितनी मेरे लिए हैं ये तो विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में हमने देखा है। लेकिन आज महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। 3 सदस्यीय कमेटी बनी, 3 सदस्यीय कमेटी ने 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में 3 सदस्यीय कमेटी ने माना कि बैकडोर से की गई भर्तियां अवैध थी। यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल जिस बात को कह रहे थे हम मीडिया के सामने कि सारी वैध हैं, ये तो मान लिया जाए कि वो वैध नहीं थी। अब सवाल यह है कि वो वैध नहीं थी और जितने भी लोग बैकडोर से भर्ती हुए थे उन सब को निकाल बाहर कराए इस विधानसभा से, लेकिन इन सब के पीछे कौन था? आखिर किसके संरक्षण में ये भर्तियां हुई है? अब कोई भी भर्ती होती है बैकडोर से तो वो फिरी का चंदन घिसमेरे नंदन के आधार पे तो नहीं होती है। ये तो तय है, खेल तो पैसे का हुआ है और मोटा ले दे के खेल हुआ है। और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि एक अधिकारी यहाँ से रिटायर होते हैं विधानसभा से ही और उनको रिटायरमेंट पे 30 से 40 लाख रुपए मिलता है और वो 30 से 40 लाख रुपए का जुआ अपने बेटे पर लगा देते हैं। और मजे की बात है कि इस बैकडोर भर्ती घोटाले में जब वो मामले सामने आते हैं तो उस व्यक्ति को भी उस बेटे को भी बाहर कर दिया जाता है। अब वो पिता परेशान है कि उनकी सारी रिटायरमेंट की कमाई भी मिट्टी में मिल गई। लेकिन मेरा सवाल यही है कि किसने ये बैकडोर से भर्तियां करवाई? रितु खंडूड़ी जी, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, वो नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? किसके संरक्षण में ये भर्तियां हुई हैं? एक सचिव को बलि का बकरा बना दिया, ठीक है, लेकिन असली जो हैं वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं? पुष्कर सिंह धामी जी, ये सवाल आपके लिए है। जनता जानना चाहती है कि बैकडोर भर्ती घोटाला किसके संरक्षण में हुआ है। तो इस सवाल को लेकर हम आपके बीच में पहुंचे हैं और तब पहुंचे हैं जब कहीं ना कहीं सुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस सवाल के जवाब को हम तलाशने की लगातार कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बने रहें।